नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, 1 मार्च 2021 से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की ओड सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। कोविड-19 के चलते ये परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जा रही हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन हिदायतों के बारे में या उन गाइडलाइंस के बारे में जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई हैं और विद्यार्थियों को ड्यूरिंग एग्जाम, चाहे वो ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम दे रहे हैं चाहे ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उनको इन गाइडलाइंस का ध्यान रखना है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं उन गाइडलाइंस पे, उन हिदायतों पे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए जारी की गई हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, 1 मार्च से परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं और वो ब्लेंडेड मोड उसके लिए दिया गया है। कुछ विद्यार्थियों ने ऑनलाइन मोड चूज़ किया है और कुछ विद्यार्थियों ने ऑफलाइन मोड को ऑप्ट किया है। सभी महाविद्यालयों की ओर से विद्यार्थियों से चॉइसेस ले ली गई हैं कि कितने विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं और कितने विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं। पहले जो विद्यार्थी ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम की व्यवस्था कॉलेज कैंपस में की गई है और वो कोविड-19 की सारी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए कॉलेज कैंपस में परीक्षा देने पहुँचेंगे। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट उनको कॉलेज में ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी कैंपस में पहुंचेंगे उनको 2.25 घंटे यानी 2 घंटे 15 मिनट पेपर अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। मॉर्निंग सेशन के लिए यानी सुबह के सत्र के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो है 9:30 यानी 9:30 पर, और जो विद्यार्थी इवनिंग सेशन में यानी सायंकालीन सत्र में परीक्षा देंगे उनके लिए 1:30 यानी 1:30 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो ऑनलाइन मोड से परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, किन गाइडलाइंस को उन्होंने फॉलो करना है ताकि वो आराम से स्मूथली परीक्षा दे पाएँ। सबसे पहले कि उनको क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, हर विद्यार्थी के दिमाग में ये सवाल है कि उसको जो पेपर करना है उसका क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा। पहला ऑप्शन एक विद्यार्थी के पास है कि वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट से तय समय के अनुसार, जो भी उसका पेपर का टाइम है तय समय के हिसाब से यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा और वेबसाइट से विद्यार्थी जो है खुद क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकता है। साथ ही जो महाविद्यालय प्रशासन की ओर से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है वहाँ पर इन्विजिलेटर के माध्यम से भी उसको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाया जाएगा। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते वक्त एक जो ख़ास बात विद्यार्थियों को ध्यान रखनी है वो ये कि वो अपना जो क्वेश्चन पेपर जिसमें वो अपीयर होना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर का जो टाइटल है या पेपर कोड है वो खुद उस बात के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि उनका जो क्वेश्चन पेपर सप्लाई किया गया है या उन्होंने खुद जो डाउनलोड किया गया है वो सही हो। ये उनको खुद इस बात को तय करना है, उनकी जवाबदेही है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद मॉर्निंग सेशन में 9:30 बजे जब उसका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा या वो डाउनलोड कर लेगा विद्यार्थी यूनिवर्सिटी वेबसाइट से, उसके बाद जो है कि आंसर शीट कैसी होगी, आंसर शीट का फॉर्मेट कैसा होगा, तो जो आंसर शीट है उसका फॉर्मेट भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया गया है जिसमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लास, सेमेस्टर, कोड, पेपर, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये सारी जानकारियाँ उस आंसर शीट के फ्रंट पेज पे हैं जो फॉर्मेट यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है। तो ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको आंसर शीट पे देनी है जब सबमिट कराओगे, उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि हर एक विद्यार्थी इस आंसर शीट के हर एक पेज पे सिग्नेचर करेगा, रोल नंबर लिखेगा और जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो लिखेगा और साथ ही पेज नंबर भी उसे मेंशन करना होगा। यानी आपको आंसर शीट जो है वो फॉर्मेट उसका वो होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया गया है, जो हम यहाँ पे वीडियो में भी आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे उससे पहले ये चीज़ इंश्योर करें हर एक स्टूडेंट कि मैंने न केवल जो पहले पेज पे कॉलम दिए गए हैं उनको, उन पर्टिकुलर्स को मैंने फिल किया है, साथ ही हर एक पेज पे जो आपकी आंसर शीट है हर एक पेज पे आपने सिग्नेचर करना है, पेज नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है और साथ ही पेपर कोड भी लिखना है। तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद और आंसर शीट के फॉर्मेट के बारे में जानने के बाद विद्यार्थियों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि इन्विजिलेशन किस तरह का होगा, यानी जो निगरानी रखी जाएगी परीक्षा के दौरान वो किस तरह की होगी और क्या क्या उनको इस दौरान ध्यान में रखना है। पहली बात कि परीक्षा के दौरान जितनी देर तक आप परीक्षा देते हैं आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे, चाहे आप फ़ोन पे या लैपटॉप या किसी डिवाइस पे आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं आप अपना वेब कैम ऑन रखेंगे।
माइक्रोफोन आपका ऑफ होना चाहिए, आप कैमरा के बिल्कुल सामने बैठेंगे और उसका व्यू जो आपके पूरे कमरे का वहाँ से दिखना चाहिए, इस प्रकार से आप कैमरा सेट करेंगे। और ड्यूरिंग एग्जाम किसी भी टाइम आपसे इन्विजिलेटर जो है वो व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए आपसे संपर्क कर सकता है किसी भी सवाल को पूछने के लिए या किसी भी तरह की हिदायत आपको देने के लिए, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। हालांकि अननेसेसरीली आपको कॉल नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत ही कोई ज़रूरी है तो आपको कॉल भी किया जा सकता है इन्विजिलेटर के द्वारा। तो जब विद्यार्थी ने क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है या टीचर के ज़रिए ले लिया, उसके बाद आंसर शीट का फॉर्मेट उसे पता है और आंसर शीट पर उसने पर्टिकुलर्स फिल कर लिए, फिर उसको पेपर शुरू करना है, अटेम्प्ट करना है, तो उस दौरान उसने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो पहली चीज़ है कि एक बच्चे को जो पेपर अटेम्प्ट करना है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 75% मार्क्स पेपर बाय चूजिंग एनी क्वेश्चन। यानी जितने भी मार्क्स का पेपर आपका है उसमें से 75% मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेपर 50 मार्क्स का है, 50 नंबर का अगर आपका पेपर आता है, खासकर प्रैक्टिकल जो जिन पेपरों में होता है वो भी 50 नंबर का थ्योरी का होता है, तो आपको 37.5 मार्क्स जितने भी क्वेश्चंस के वो बनते हैं वो आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक इसी तरह अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। साथ ही आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके जो क्वेश्चन नंबर हैं वो सीरियल वाइज हों जब आप अटेम्प्ट उनको कर रहे हैं, और हर एक जो क्वेश्चन है जब आंसर आपका होगा, अटेम्प्ट आप करेंगे, तो उसके सेंटर में अपर साइड पे उसका आपका क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, ताकि जब इवैल्यूएशन आपका होगा तो उसमें इवैल्यूएटर के लिए आसान रहेगा और आपके भी जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो क्लियरली उसके लिए विजिबल होंगे और चेकिंग करने में आसानी रहेगी। साथ ही इस बात का भी आप ख्याल रखें कि पेपर अटेम्प्ट जो आप करेंगे वो ब्लू या ब्लैक पेन से ही आप अटेम्प्ट करें, दो आपके पास ऑप्शन है, और साथ ही जो आपके आंसर लिखे हों वो आपकी खुद की हैंड राइटिंग में लिखे होने चाहिए। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अगला सवाल जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है वो ये है कि उसको अपनी किस तरह से सबमिट करना है आंसर शीट को, उसके लिए क्या डेडलाइन है, क्या हिदायतें हैं। हर एक विद्यार्थी को टोटल 3.25 घंटे मिलेंगे, मॉर्निंग सेशन में 9:30 to 12:45 और इवनिंग सेशन में 1:30 to 4:45। ये जो 3.25 घंटे हैं इसमें डाउनलोडिंग, एग्जामिनेशन टाइम और अपलोडिंग, एक विद्यार्थी को तीनों चीज़ें पूरी करनी है। वो पहले क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेगा, उसके बाद अपना पेपर अटेम्प्ट करेगा और उसके बाद वो अपलोड करेगा गूगल फॉर्म पे। इस सारी प्रक्रिया के लिए उसे 3.25 घंटे दिए जाएंगे। जो पेपर आपने अपलोड करना है उससे पहले आप एक पीडीएफ बनाएंगे, आप पीडीएफ क्रिएट करेंगे, फोटोग्राफ आप लेंगे अपने आंसर शीट के, और उसके बाद अलग अलग माध्यमों से पीडीएफ के लिए कई ऐप हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मेंशन की गई हैं। विद्यार्थी पीडीएफ बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जो फोटोग्राफ लिए गए हैं पीडीएफ के लिए वो क्लियरली विजिबल हो, ब्लर ना हो, और साथ ही आंसर शीट को आप जो आपकी रोल नंबर स्लिप है उसको भी आंसर शीट के साथ साथ आप स्कैन कर लें या फोटोग्राफ लें, और जो पीडीएफ को आप रीनेम करेंगे, उसको जो नाम देंगे फाइल को, वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर का आपने नाम देना है। और जो पीडीएफ आपकी बनेगी उसमें पहला जो पेज आपका होगा वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर, उसके बाद आपके आंसर शीट के पेजेस क्लियरली विजिबल हों, और साथ ही आपने उसको पीडीएफ बना के फिर गूगल फॉर्म पे अपलोड करना है। गूगल फॉर्म का जो आपको लिंक दिया जाएगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके इन्विजिलेटर के जरिए अवेलेबल करवाया जाएगा, और आपको उस गूगल फॉर्म पे जितने पर्टिकुलर्स आपसे मांगे गए हैं उसके साथ आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। इस सारी प्रक्रिया के दौरान अगर विद्यार्थी कोई टेक्निकल उसको खामी नज़र आती है, कोई उसको टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको अपलोड करने में, तो वो एग्ज़ाम के दौरान अपने इन्विजिलेटर से संपर्क कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस थी जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की तरफ से जारी की गई हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन गाइडलाइंस को न केवल अच्छे से पढ़ेंगे बल्कि एग्ज़ाम के दौरान इनको फॉलो भी करेंगे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।